बॉलीवुड के मशहूर निर्देशक नितेश तिवारी, जो दंगल जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दे चुके हैं, अब भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, रामायण। इस फिल्म ने अपने ऐलान के साथ ही सभी का ध्यान खींच लिया है। रामायण की कहानी को हम सभी जानते हैं। यह हमारे देश का सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य है, जो हर पीढ़ी में अद्भुत श्रद्धा और सम्मान के साथ देखा और सुना जाता है। लेकिन अब नितेश तिवारी इसे 3 हिस्सों में बड़े पर्दे पर लेकर आ रहे हैं, और वो भी ऐसे तरीके से जिसे पहले कभी नहीं देखा गया। सूत्रों की माने तो यह फिल्म 3 पार्ट्स में रिलीज की जाएगी। पहला पार्ट भगवान राम और माता सीता की कहानी से शुरू होगा और सीता के अपहरण तक की घटनाओं को कवर करेगा। फिल्म में भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं रणबीर कपूर और साई पल्लवी माता सीता के रूप में नजर आएंगी। अब बात करते हैं फिल्म के दूसरे पार्ट की। फिल्म का दूसरा भाग पूरी तरह से भगवान हनुमान की कहानी पर आधारित होगा। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी के किरदार में दिखेंगे बॉलीवुड के ही मैन सनी देओल। ये हिस्सा वनवास के दौरान हनुमान जी और राम के बीच के कनेक्शन और सीता माता के अपहरण की घटनाओं पर आधारित होगा। तीसरा और अंतिम भाग रावण, सीता के अपहरण और लंका के युद्ध पर केंद्रित होगा। इसमें भगवान राम और रावण के बीच के महायुद्ध को भव्य तरीके से दिखाया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि नितेश तिवारी इन 3 पार्ट्स को एक साथ शूट कर रहे हैं, ताकि दर्शकों को लंबा इंतजार न करना पड़े। अब बात करते हैं फिल्म की स्टार कास्ट की। रणबीर कपूर और साई पल्लवी के अलावा इस फिल्म में कई बड़े नाम हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक महानायक अमिताभ बच्चन जटायु के किरदार को अपनी आवाज देंगे। वहीं रवि दुबे लक्ष्मण के किरदार में नजर आएंगे। लारा दत्ता कैकेयी का रोल निभाएंगी। रकुल प्रीत सिंह शूर्पणखा के किरदार में होंगी। अरुण गोविल राजा दशरथ के रूप में दिखेंगे और हरमन बावेजा विभीषण का किरदार निभाएंगे। फिल्म की शूटिंग काफी हद तक पूरी हो चुकी है। रणबीर कपूर इस फिल्म के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने भगवान राम के किरदार में ढलने के लिए एक स्ट्रिक्ट डाइट और वर्कआउट रूटीन फॉलो किया है। फिल्म के सेट से कुछ तस्वीरें लीक हो गई थीं, जिसके बाद नितेश तिवारी ने सेट पर फोन लाने पर सख्त पाबंदी लगा दी है, ताकि फिल्म की गोपनीयता बनी रहे। पिछले साल आई फिल्म आदि पुरुष भी रामायण पर आधारित थी, लेकिन उसे दर्शकों ने नकार दिया। हालांकि नितेश तिवारी की रामायण से दर्शकों को काफी उम्मीदें हैं। फिल्म में स्पेशल इफेक्ट्स और VFX का खास ध्यान रखा जा रहा है, ताकि इस महाकाव्य की भव्यता को सही तरीके से पेश किया जा सके। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस अद्भुत यात्रा पर जाने के लिए। रामायण की यह फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बनने जा रही है। फिलहाल फिल्म की रिलीज डेट को लेकर कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही कोई नई जानकारी मिलेगी, हम आपको सबसे पहले अपडेट करेंगे। ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और विजिट करें viralplanetnews.com।